हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इससे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गुशैन जो शैंक के आने का वेट कर रही होती है, पर शैंक भी जब हॉस्पिटल में आता है तो गुशैन को जागते देखकर वहीं पर चुपकर खड़ा हो जाता है और अपने मोबाइल को देख रहा होता है कि अभी ये मुझे मैसेज करेगी। और दूसरी तरफ गुशैन भी मैसेज करने का सोच होती है पर मैसेज नहीं करती। और दूसरी तरफ गुआन दिखाई जाती है जो एक एक करके अपनी और चैंक जी की पिक्स को डिलीट कर रही होती है। और चैंक जी जो उसके घर के बाहर आया होता है उसका वेट कर रहा होता है कि गुआन आकर उससे बात तो करेगी, पर गुआन तो नहीं आती। उसकी मॉम जरूर आ जाती है और आके कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि गुआन की शादी लुई से होने वाली है। पर इस बात को चैंग नहीं मारा होता, कहने लगते हैं कि उसकी तो मेरे साथ एंगेजमेंट हुई थी तो उसकी शादी कहीं और कैसे हो सकती है। इतने में पीछे से लुई भी आ जाता है और चैंग जी को देखकर उसको थोड़ी बातें वगैरह सुनाने लगता है। और ये सब ऊपर से खड़े हो गए गुआन भी देख रही होती है। और फिर यिफी को गुआन की मॉम अंदर भेज देती है कि गुआन तुम्हारा अंदर वेट कर रही है। गुआन भी यिफी को अंदर आते देख कर साइड पर हो जाती है। और चैंग जी जो उन सब के जाने के बाद अभी भी गुआन के आने का वेट कर रहा होता है, जब वहाँ से चैंग जी घर पर नहीं जा रहा होता तो उसकी मामा आकर कहने लगती है कि तुम्हें पता है गुआन तुम्हें ना अब लाइक करती ना ही तुमसे शादी करना चाहती है, तुम ये बात क्यों नहीं समझते, उसको सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार था ना कि तुमसे, और अब तो हम वैसे भी बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ शैंक जो गुशैन के पास नहीं जा रहा होता तभी उसको एक कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और गुशैन उसके जाने के बाद 130 पे बाहर आकर भी देखती है कि शैंक अभी तक क्यों नहीं आया और फिर अंदर बैठकर रोने लगती है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि गुशैन के पास शैंक के डैड मिलने के लिए आते हैं। वो थोड़ी बातें वगैरह करते हुए ये भी बता देते हैं कि हमें शैंक से ये भी पता लग गया है कि उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की है, पर फिर भी गुशैन उसे सॉरी करने लगती है। पर शैंक के डैड कहते हैं कि सॉरी तो हमें तुमसे करने चाहिए, और साथ ही साथ ये बात भी कहकर चले जाते हैं कि शैंक के बारे में भी कुछ सोच लेना अगर तुम उसको खुश देखना चाहती हो। ये बात कह के वो तो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुशैन रोने लगते हैं उनकी बातों को याद करते हुए। और शैंक कंपनी में दिखाया जाता है जो गुशैन को मैसेज करता है कि आज रात हम इकट्ठे डिनर करते हैं। इस बात पर गुशैन भी मान जाती है। और रात के डिनर का टाइम आ जाता है जहाँ पर गुशैन भी आ जाती है उसके साथ डिनर करने के लिए। दोनों बैठ कर खाना वगैरह खाने लगते हैं और साथ में शैंक कहता है कि पहले खा लो फिर मैंने तुमसे एक बात करनी है। यहाँ तक कि शैंक तो उसका फेवरेट शेफ मंगवा कर उसकी फेवरेट चीज भी बनवाता है। इस बात पर गुशैन तो काफी खुश होती है और फिर कहने लगती है कि तुमने क्या कहना था कहो। तो शैंक जो उसके लिए नेकलेस लेकर आया होता है वो नेकलेस जाकर गुशैन को पहनाता है और फिर वो उसको अपने साथ डांस के लिए भी इन्वाइट करता है कि हमने पहले कभी भी एक साथ डांस नहीं किया। और फिर इसी तरह दोनों डांस करने लगते हैं। और जब दोनों का डांस वगैरह हो जाता है तो शैंक उसको असली बात बताता है और कहने लगता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा ताकि तुम खुश रहो, तो मेरे साथ तो खुश नहीं थी। ये कहते हुए उसको पेपर्स भी देता है। गुशैन भी कुछ नहीं बोलते और कहने लगती है कि जो तुमने डिसीजन कर ही लिया है तो ठीक है। ये कहते हुए वो पेपर्स पे साइन भी कर देती है। और शैंक उसे कहने लगता है कि तुम अपना ख्याल रखना। और ये कहकर वो और गुशैन दोनों ही ऑपोजिट रास्तों में जाने लगते हैं। गुशैन भी जाते हुए रोते हुए कहने लगती है कि अभी मुझे तुमसे प्यार हुआ था और अभी तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। और दूसरी तरफ शैंक भी यही सोचते हुए रोते हुए जा रहा होता है। और जैसे जैसे गुशैन चलते हुए घर की तरफ जा रही होती है उसको रास्ते में अपने सब फ्लैशबैक्स शैंक के साथ गुजारे हुए याद आ रहे होते हैं। और यहाँ तक कि गुशैन ने एक टाइम पर पेंटिंग भी की थी और वो कहती थी कि इस पेंटिंग में जैसे भी सब कुछ बना हुआ है मैं वैसे ही सब कुछ बनाना चाहती हूँ। और शैंक ने कहा था कि हम एक दिन जरूर बनाएंगे। और उसी बात को याद कर रही होते सामने जाती है कि शैंक ने उसी तरह एक चीज बनाई होती है जैसा उसकी पेंटिंग में था। और फिर थोड़ा आगे जाती है तो होटल देखती है, उसने होटल का भी बोला था कि हम बनाएंगे और ये चीज भी शैंक ने उसकी पहले से ही पूरी की होती है। और उसके सामने खड़े होकर गुशैन इतना रोने लगती है। और शैंक जो एक जगह पर बैठ कर इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है उसका फ्रेंड भी उसके पास आ जाता है और साथ में बैठ कर ड्रिंक करने लगता है, कहने लगता है कि ज्यादा ड्रिंक भी मत करना। और शैंक भी गुशैन की बातों को याद करके रो रहा होता है। उधर चैंग जी दिखाया जाता है जो बारिश में भी गुआन के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। और भी वेट करते करते उसको अपनी किस्मत में रोना आने लगता है। उसके हाथ से उसका वो दिया हुआ गिफ्ट भी टूट जाता है। घर आने के बाद वो गिफ्ट को ही बैठ कर जो रहा होता है, उसकी मॉम देखती है तो उसको आकर टॉवल से साफ करने लगते हो, कहने लगती है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हें क्या हो गया है। पर चैंग जी तो अपने आप को ही मारते हुए कहने लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बिल्कुल भी गुआन के साथ अच्छा नहीं किया। पर उसकी मॉम कहने लगती है कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो, अगर तुम इसी तरह अपने आप को मारते रहे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। और शैंक जो रात में ड्रिंक करते करते वहीं अपनी कंपनी में ही सोया होता है, सुबह में उसको अपनी मेट की कॉल आती है। उसकी मेट बताने लगती है कि गुशैन के घर छोड़कर चली गई है, वो अपना लगेज भी ले गई है। ये बात सुनकर तो शैंक उठकर बैठ जाता है और गुशैन दिखाई जाती है जो जा रही होती है सामने से। उसे चैंग जी नजर आता है, चैंग जी कहने लगते है कि मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। पर गुशैन उसको मना करने लगते है, कहने लगते है कि मैं जल्दी में हूँ तो इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। पर चैंग जी उसे फिर भी कहने लगता है कि मैंने तुमसे बात करनी है, तो गुशैन उसको अपनी कार में ही बैठा लेती है। चैंग जी गुशैन से सॉरी कर रहा होता है, साथ ही साथ कह रहा होता है कि मुझे तुमसे भी सॉरी करनी है और गुआन से भी सॉरी करनी है। और तुम्हारा और शैंक का क्या हुआ है, वो कहाँ पर है। पर गुशैन उसको चुप करवा लेते हो, कहने लगते है कि वो पुरानी बातें उनको छोड़ो। पर चैंग जी कहने लगते है कि हाँ मैं सब पुरानी बातों को छोड़
छोड़ने वाला हूँ और मैं उसको भी एहसास दिलाऊंगा कि उसने किसको छोड़ा है। और इधर शैंग जो घर पर आता है तो गुशैन को ना होते हुए देखकर उसकी हर चीज को याद कर रहा होता है कि किस तरह वो मेरे साथ बैठकर खाना खाती थी और मुझे मारती थी। इतने में उसके रिमाइंडर से उसको पता लगता है कि आज तो मैंने अपनी सिस्टर की ग्रेव पर जाना है। और दूसरी तरफ गुशैन भी चैंगची के साथ वहीं पर आ रही होती है और आगे से उनका सामना शैंग से होता है। शैंग चैंगची को उसके साथ देखकर वहाँ से चुप करके गुजर जाता है और शैंग का फ्रेंड दिखाया जाता है जो शायद से शैंग का ब्रदर इन लॉ था, उसकी सिस्टर का हस्बैंड था। वो भी शैंग की सिस्टर के लिए फ्लावर्स लाता है, कहने लगता है कि मैं तुम्हारे फेवरेट लाया हूँ। ये सब पीछे खड़ा शैंग भी देख रहा होता है और फिर वो अपने फ्रेंड को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है, अपने उसी फ्रेंड को वहीं पर छोड़कर। और उसके जाने के बाद गुशैन वहाँ पर आकर फ्लावर रखती है। उसे देखकर वो कहने लगता है कि गुशैन क्या तुम वापस आ गई हो। इस बात पर गुशैन कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। और इधर ग्वान और लुइये दोनों आ रहे होते हैं, सामने से चैंगची भी होता है। चैंगची को देखकर लुइये कहने लगता है कि ग्वान थैंक्स जो तुम मुझे साथ लेकर आई हो ताकि मैं तुम्हारी फ्रेंड को भी देख पाता। और फिर चैंगची के सामने ग्वान के कंधे पर हाथ रख के उसे लेकर जाने लगता है और वहाँ से आगे जा रहे होते तो उनका सामना गुशैन से होता है। गुशैन अपनी सिस्टर से बात करना चाहती है पर ग्वान उससे बात नहीं करती बल्कि लुइये उसको कड़वी कड़वी बातें सुनाने लगता है। शैंग जो कंपनी में आ चुका था उसके लिए वो कॉफी लेकर आती है तो शैंग उस कॉफी को देखने के बाद उसको अपना पास्ट याद आने लगता है कि मैं गुशैन की वजह से कॉफी पीता था। पर वो अब की बार कहने लगता है कि मुझे कॉफी की जगह अब टी ला दें। ये सब उसके दोस्त पीछे से खड़े देख रहे होते हैं कि ये काफी चेंज हो रहा है। और गुशैन दिखाई जाती है जो अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है। उसका भाई उसको देख कर कहने लगता है कि आप ब्रदर इन लॉ को साथ क्यों नहीं लाई। गुशैन तो वहीं पर चुप हो जाती है, कहने लगती है कि आज तुम्हें ब्रदर इन लॉ कहाँ से याद आ गया। तो वो कहने लगता है कि क्योंकि जब मैं कोमा में था मैंने कुछ बातें सुन ली थी। शैंग ही था जिसने मेरी इतनी ज्यादा केयर की थी, वो न्यू न्यू डॉक्टर्स को बुलाता था ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। ये सुनकर गुशैन तो कहने लगती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। इस बात पर शामू उसका भाई कहने लगता है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने हस्बैंड से जाकर पूछ सकती हैं। गुशैन तो इस बात के बाद बाहर चुप करके बैठी होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है, उसको उसका स्केच बनाकर जो देता है और कहने लगता है कि कभी कभी कुछ चीजें अचानक नहीं होती बल्कि हमें उसे समझना चाहिए कि वो क्यों हुआ और कैसे हुआ है। वो तो ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। और शैंग दिखाया जाता है जिसको अपनी मेट की कॉल आती है। उसकी मेट बताने लगते है कि गुशैन तो चली गई, वो पीछे से एक बॉक्स छोड़ गई है। ये सुनकर तो जल्दी से शैंग घर की तरफ जाने लगता है और घर पहुंचकर मेट से उस बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। वो मेट बॉक्स का बताती है और कहने लगती है कि इसमें काफी ज्यादा लेटर्स हैं। उस बॉक्स को उठाकर शैंग अपने रूम में ले आता है, एक एक करके सब लेटर्स को पढ़ने लगता है। और वो वही सब लेटर्स होते हैं जो वो हाई स्कूल से लेकर अभी तक शैंग को लिख रही थी। और यहाँ तक कि हाई स्कूल में शैंग भी उसको लेटर्स लिखता था, उसने उस लेटर को भी अभी तक अपने पास रखा था। और गुशैन अपनी जॉब होने पर भी उसको बताती है कि मेरी जॉब लग गई है पर जॉब ऐसी है कि मैं बिल्कुल बोर होती हूँ। मैंने जहाँ हंसना नहीं भी होता वहाँ पर भी मुझे स्माइल करनी पड़ती है। और फिर वो अपने प्रेग्नेंट होने का भी बताने लगती है और कहने लगती है कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ये नहीं बच सकता और अभी तो मुझे सिर्फ 9 वीक्स हुए थे और मैं इतनी खुश थी कि तुम्हें बताऊंगी पर ऐसा कुछ भी ना हुआ। और फिर वो एक दफा लेटर लिखती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा दिल है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर हैरी पॉटर देखूं और हम इकट्ठे बैठकर कुछ खाएं। और फिर वो लास्ट लेटर में लिखती है कि आज मेरा डिवोर्स हो गया है। और इन्हीं लेटर्स को पढ़ने के बाद शैंग रोने लगता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।